Hey guys, this is Kinnari Singh and a warm welcome to Glitz Vision USA. ऐसा कई बार हुआ है जब fandoms अपनी limit cross कर देते हैं social media पे. We all understand कि हर एक fandom के favorite characters होते हैं, उनकी एक favorite storyline होती है. और जब मेकर्स स्टोरी लाइन उनकी जो फेवरेट स्टोरी लाइन है उसके अगेंस्ट जाके कुछ दिखाते हैं तो सोशल मीडिया पे फैंस जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज हो जाते हैं, विच इज़ ओके. लेकिन कई बार जो है यही फैंस यही फैंडम्स अपनी लिमिट क्रॉस कर लेते हैं जिसका भुगतान जो है एक एक्टर को करना पड़ता है. एंड द एक्टर इन क्वेश्चन इज जय सोनी, जो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिनव का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा के फैंस काफी तादाद में है, बहुत लोगों को पसंद है अभिमन्यु और अक्षरा को एक साथ देखना. लेकिन करंट स्टोरी लाइन वो ये है कि अक्षरा जो है उसने अभिमन्यु को नहीं बल्कि अभिनव को चूज किया है एज ए लाइफ पार्टनर और वो उनके साथ ही जो है लाइफ बिताना चाहती है. नाउ ये तो हुई शो की बात. एंड नाउ वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अभिरा फैंस इस करंट स्टोरी ट्रैक से नाराज है, विच इज ऑल्सो फाइन. लेकिन कुछ फैंडम्स ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है क्योंकि हाल ही में देयर वाज अ सीन, अ रोमांटिक सीन बिटवीन जय सोनी एंड प्रणाली राठौड़ कैरेक्टर यानी अभिनव और अक्षरा के बीच में एक बहुत ही रोमांटिक सा सीन था, प्यारा सा सीन था. और अब जो है कुछ अभिरा फैंस ये कह रहे हैं कि प्रणाली राठौड़ शी इज नॉट कम्फर्टेबल एंड और शी वॉज नॉट कम्फर्टेबल शूटिंग दैट पर्टिकुलर रोमांटिक सीक्वेंस विद जय सोनी. एंड हाउ DKP प्रोडक्शन जो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि प्रोड्यूसर्स है एंड स्टार प्लस की जो टीम है उन्हें ध्यान देना चाहिए कि कैसे उनकी जो शो की लीड फीमेल लीड एक्ट्रेस है वो कम्फर्टेबल रहे. इस पर भी तो जय सोनी को खुलेआम टारगेट किया गया एंड दिस वॉज एक्चुअली बिलो द बेल्ट. एंड बाकी के जो फैंडम है उन्होंने लिखा कि यू नो ऑल दो नॉट लाइकिंग अ कैरेक्टर इज टोटली ओके, लेकिन किसी एक्टर पे पर्सनली जाना और वो भी इतना ज्यादा पर्सनली जाना दैट इज एक्चुअली सो रॉन्ग. और अगर हम बात करें शो की भी बात करें तो अक्षरा का जो ये डिसीजन है कि उसको अभिमन्यु को नहीं बल्कि अभिनव को चूज करना है, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग यू नो दैट हाउ द डिसीजन इज सो रॉन्ग, हाउ कैन शी चूज अभिनव. बट पीपल हु आर क्लोजली वॉचिंग द शो, इफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभिमन्यु वॉज द वन जिसने अक्षरा को घर से जाने के लिए कहा, अभिमन्यु वॉज द वन जिसे डिवोर्स चाहिए था, अभिमन्यु वॉज द वन जो अक्षरा की बात सुनने को ही नहीं तैयार था जबकि अक्षरा को सबसे ज्यादा जरूरत थी. एंड 6 साल बाद इफ अक्षरा इज चूजिंग टू स्टे विद अ पर्सन यू नो जहां पे उसे लगता है कि उसको रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा मिलती है, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग. बट स्टिल इफ अ फैंडम और अ फैन फील दैट इट इज रॉन्ग, यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स बट यू नो एक कैरेक्टर को लेके. बट किसी एक्टर के कैरेक्टर पे जाना, कैरेक्टरिस्टिक पे जाना और ये बोल देना कि यू नो जय सोनी इज मेकिंग प्रणाली राठौड़ अनकंफर्टेबल, दिस इज रियली रियली बिलो द बेल्ट. एंड वी होप कि जो फैंडम्स है वो अपनी मर्यादा नहीं भूलेंगे. वेल, आप जरूर बताइए आपका इस पूरे वाक्य पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में. और ऐसी एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए फॉलो कीजिए ग्लिट्स विजन यूएसए को. हाय, आई एम निया शर्मा एंड यू वॉचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए.